तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली अपने खुद से वादा करता है कि अपना कर्जा चुकाएगा और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। तो इसी के साथ हमारे वो वाला एपिसोड खत्म हुआ था और अब आगे देखेंगे। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में दिखाया जाता है एक डांस बार होता है, जहाँ पे ली आया होता है एक टकला वेटर के पीछे पीछे उधर आता है और ली मन में सोचता है कि सब लोग यहाँ पे बहुत खुश दिख रहे हैं। तभी टकला वेटर वहाँ पे जाता है और बोलता है कि काउंटर के सामने बॉस को यहाँ पे काम के लिए आया है। तभी एक और लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, बोलती है कि उसे अंदर लेके आओ। तो अंदर जाके ली बॉस को देख के तो ली का काम हो जाता है और अब ली हक्का बक्का रह जाता है। तभी और का जो बॉस है, जो लड़की है, वो ली को पूछता है कि तुम स्टेज रिलीवर का काम क्यों करना चाहते हो। तभी ली बोलता है कि मेरे को पैसा चाहिए। तभी और जो लड़की होते है बॉस, वो बोलती है कि तुम भाई बहुत सच्चा आदमी लगते हो मेरे को, ये बहुत ही लाभदायक बिजनेस है, पर तुम्हें स्ट्रेस रिलीवर की स्किल आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। पहले मुझे चेक करने दो तुमको, तुम बहुत ही अच्छे दिखते हो। तब वो लड़की ली के मुंह पे हाथ रख के बोलते है और ली शर्मा जाता है थोड़ा। तभी वो जो लड़की है बॉस, वो बोलती है कि तुम बहुत ही यंग हो, तुम बोल्ट नहीं हो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा बाबा। कैसे कस्टमर के सामने अपना हार्ट खोल लोगे, मतलब दिल को खुल के बात करोगे और उसको खुशियाँ और रिलैक्स फील करवाओगे। स्ट्रेस रिलीवर का इम्पोर्टेंट टैलेंट होता है कि उसका पर्सनल कैरेक्टर एंड चार्म। तुम लोगों को खुशियाँ देते हो, मैं तुम पे तुम्हारे अंदर कोई भी जो है पैशन और स्ट्रेस रिलीवर का पैशन नहीं दिख रहा, तो तुम अब ऐसे जा सकते हो। तभी ली दुखी होते हुए सोचता है कि मैं कोई चांस ही नहीं मिला मेरे को, मैं क्या ये प्रूफ कर सकूँ, मेरे को स्ट्रेस लिप करना सबसे ज़्यादा आता है। तभी ली दुखी होकर वहाँ से जाने ही लगते है। तभी एक लेडी की आवाज़ ली को सुनाई देते है और ली पीछे मुड़ के देखता है। तभी वहाँ पे जो है एक टकला वेटर जो था ना ली के साथ, वो उस लेडी को समझा रहा था कि ये मत करिए मिस्टर ली, मिस्ट्रेस ली, आप लियोन यहाँ पे नहीं है, मैं ये विश्वास नहीं करता। वो जो है अदर क्लाइंट के साथ एंटरटेनमेंट करने के लिए अरेंज किया गया है, वो लेडी चिल्लाते हुए बोल रही थी उस वेटर को। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है, हेलो मिस, मैं हूँ शिलोंग, मेरे साथ क्या आप पीना पसंद करेंगे। तभी वो लेडी शिलोंग की तरफ देख के चिल्लाते हुए और थप्पड़ मारने की कोशिश करते हुए बोलती है कि तुम खुद को क्या समझते हो। तभी ली वहाँ पे आ जाती है और उस लेडी की हाथ पकड़ लेती है और बोलते है किसी को चोट मत पहुँचाइए। तभी वहाँ का बॉस ली को उस लेडी का हाथ पकड़े हुए देखती है और वो बॉस सोचती है कि ये क्यों यहाँ पे अभी भी है, ये यहाँ से गया क्यों नहीं, और ये यहाँ पे है, ये सब दिक्कत ही खड़ा करेगा इधर। मिस्टर ली बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी, मतलब लेडी है, मैं ही से भी इनको संभाल सकता हूँ। सभी वहाँ पे घबराए हुए थे, पर ली अपना जो है अपना जो मैजिक है वो अपने हाथों पे ले आता है और उस लेडी को कंफर्टेबल करने की कोशिश करते है। तभी वो लेडी मन में सोचती है कि मैं क्यों यहाँ पे पागल नहीं हो रहा हूँ, ये जब मेरा हाथ पकड़ रहे हैं मैं क्यों गुस्सा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं और भी कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ यहाँ पे। भी ली बोलता है आप यहाँ पे किसी को परेशान नहीं कर सकते, किसी को चोट नहीं पहुँचा सकते और आप पागल भी नहीं हो सकते ऐसे। तभी वो लेडी ली के बात सुन के बोलते हैं ठीक है मैं शांत रहता हूँ तुम कहते हो तो। उस लेडी की ये बात सुन के वहाँ का जो बॉस है, बॉस ये देख के बहुत ही शौक में चला जाता है और बोलता है भाई ये क्या हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मिसिज ली को ये शांत कर दिया, ये कैसे हो सकता है, मैं खुद पर विश्वास ही नहीं करता, मैं एक दिन गलत जजमेंट करूँगा। उसके बाद मिसेस ली शर्मा के बोलती है कि हेलो हैंडसम, तुम कितने देर मेरे हाथ को पकड़ के रखोगे, आप तुम के यहाँ पे न्याय हो, मैं यहाँ पे कभी नहीं देखा तुमको। तो यहाँ पे जो मिसेस ली है, मिसेस ली को सोच रहा था एक स्ट्रेस ले ले बार है,
मिसेज ली की यह बात सुन के ली बोलता है कि नहीं 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 मैं यहाँ पे यही बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पे बॉस आ जाते हैं। तभी मिसेज ली को देख के बोलते हैं कि हाँ आप सही है, आपका आग जो है बहुत शार्प है, ठीक है, ये यहाँ पे न्यू है। यूनकाई हमारा जो है न्यू स्टेस रिलीवर है। यूनकाई आज तुम मिसेस ली को स्टेस रिलीव करोगे। तो यहाँ पे हमारे सीन शिफ्ट होते हैं और यहाँ पे लियोन को दिखाया जाता है और एक लड़की बेड पे पड़ी होती है, मतलब यहाँ पे कुछ खपा खप हुआ है भाई। तभी जो वहाँ पे लियोन का फ़ोन बजता है और लियोन फ़ोन उठा के बोलता है, मिस्टर जेंग मैं एक क्लाइंट के साथ था तो मैं अपना फ़ोन को नोटिस नहीं कर पाया, मैं आ रहा हूँ। मिस्टर ली तो मेरे सिवा किसी का जो है स्टेज रिलीवर को नहीं लेते हैं। तभी फ़ोन की दूसरी तरफ से मिस्टर जेंग बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक नया लड़का आया है जो मिसेस ली के साथ बहुत खुश दिख रहे हैं, दोनों ही बहुत खुश दिख रहे हैं। तुमको यह सोचना चाहिए तुम ये जो फ़ोन कॉल नहीं उठा रहे थे इसका क्या एक्सक्यूज़ दोगे बॉस के पास। तभी फ़ोन रख देते हैं लियोन। लियोन गुस्से में सोचता है क्या एक नया लड़का मेरे क्लाइंट को चुरा के ले गया, मैं उसको एक लेसन सिखाऊंगा और उसको समझाऊंगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है, इस बिजनेस का किंग कौन है। तभी जो है हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। और क्या ली ये बिजनेस पे टिक पाएगा, क्या लियोन ली को सबक सिखाने के लिए क्या दाव पेच अपनाएगा, ये सब देखने के लिए फिर से जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो आज के लिए टाटा बाय बाय। और भाई सुनिए, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। भाई मैं भी यूट्यूबर हूँ, सारे यूट्यूबर की तरह मैं भी बात करता हूँ, ठीक है, मेरे को भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर चाहिए। तो बाय बाय टाटा, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।